नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी एस वी ब्लॉक विथ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 02980 जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस COVID-19 स्पेशल ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं जयपुर बांद्रा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन राजस्थान के जयपुर जंक्शन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच चलती है। यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से रात को 8:25 पर खुलती है और आपको अगले दिन बांद्रा टर्मिनस दोपहर को 1:10 पर पहुंचाती है। जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर सोमवार को, हर बुधवार को और हर शुक्रवार को। और इस ट्रेन को जयपुर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक 1149 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 16 घंटे 45 मिनट का समय लेता है और इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो चलिए अब मैं जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको सेकेंड सीटिंग का कोच, स्लीपर क्लास का कोच, थर्ड एसी क्लास का कोच, सेकेंड एसी क्लास का कोच और फर्स्ट एसी क्लास का कोच होता है इस ट्रेन में। चलिए मैं इस ट्रेन के फेयर के बारे में जानकारी देता हूँ। सेकेंड सीटिंग का है ₹330, स्लीपर क्लास का है ₹555, थर्ड एसी का है ₹1455, सेकेंड एसी का है ₹2070 और फर्स्ट एसी का है ₹3500। चलिए मैं जयपुर बांद्रा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है जयपुर जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक। यह और स्टेट का लोकोमोटिव सवाई माधोपुर जंक्शन पर रिवर्स किया जाता है। चलिए मैं जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस के कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको अभी फूड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कौन से रूट से होकर जाती है, जैसे कि आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से खुलती है रात को 8:25 पर। इसका पहला हॉल्ट आता है दुर्गापुरा, जहाँ पहुँचते रात को 8:33 पर और 8:36 पर खुलती है ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट आता है सवाई माधोपुर जंक्शन, जहाँ पहुँचते रात को 10:20 पर और 10:40 पर खुलती है ट्रेन, 20 मिनट रुकती है। यहाँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है। इसका तीसरा हॉल्ट आता है कोटा जंक्शन, जहाँ पहुँचते रात को 12 बजे और 12:05 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका चौथा हॉल्ट आता है नागदा जंक्शन, जहाँ पहुँचते रात को 2:30 पर और 2:32 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका पांचवा हॉल्ट आता है रतलाम जंक्शन, जहाँ पहुँचते रात को 3:10 पर और 3:15 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका छठा हॉल्ट आता है मेघनगर, जहाँ पहुँचती है सुबह 4:16 पर और 4:18 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट आता है दाहोद, जहाँ पहुँचती है सुबह 4:42 पर और 4:44 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका आठवां हॉल्ट आता है गोधरा जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 6:10 पर और 6:12 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका नवा हॉल्ट आता है वडोदरा जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 7:07 पर और 7:17 पर खुलती है ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका दसवां हॉल्ट आता है सूरत, जहाँ पहुँचती है सुबह 8:59 पर और 9:04 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है।
इसका 11वां हॉल्ट आता है वलसाड़, जहाँ 35 व 10:01 पर और 10:03 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 12वां हॉल्ट आता है वापी, जहाँ 35 व 10:23 पर और 10:25 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 13वां हॉल्ट आता है पालघर, जहाँ 35 व 11:27 पर और 11:29 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 14वां हॉल्ट आता है बोरीवली, जहाँ पहुँचती है दोपहर को 12:17 पर और 12:20 पर खुलती है ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। इसका 15वां हॉल्ट आता है अंधेरी, जहाँ पहुँचती है रात को 12:38 पर और 12:41 पर खुलती है ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। इसका लास्ट 16वां हॉल्ट है बांद्रा टर्मिनस, जहाँ पहुँचती है दोपहर को 1:10 पर।